हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आयुष पारिक, और आज हम करेंगे NSEGS के पेपर का सॉल्यूशन, और ये उसका बायोलॉजी सेक्शन है। हमारे कोड का नाम है कोड नंबर 53, और बायोलॉजी सेक्शन का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। इन केस ऑफ ए माइस कोट कलर, टू जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द हेयर। जीन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट्स ऑन शाफ्ट ऑफ हेयर। वाइल्ड टाइप ऑफ एलील ऑफ ए प्रोड्यूसेस ए येलो बैंड ऑन डार्क हेयर शाफ्ट एगोटी। वेयर इज रिसेसिव एलील प्रोड्यूसेस नो येलो कलर, नो येलो बैंड। देयर इज एन अनादर एलील ऑफ ए नोन एज ए वाई विच इज एम्ब्रियोनिक लिथल इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली। In an experiment, two yellow mice were crossed to obtain a progeny of 6 pups. What would be the most probable number of agouti mice among them? आप देख सकते हैं यहां पर वो बात कर रहा है माइस के कोट कलर की। माइस के कोट कलर को कंट्रोल करने के लिए यहां पर दो जीन्स हैं, जिसमें से वो हमें बता रहा है जीन ए के बारे में। जीन ए के यहां पर हमें 3 एलील दे रखे हैं। जीन ए के 3 एलील हमारे सामने हैं। पहला एलील है ए, सेकंड एलील है इसका रिसेसिव, स्मॉल ए से हम इसे डिनोट कर लेते हैं, और जो थर्ड एलील यहां पे हमें दे रखा है वो हो गया हमारा ए वाई। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाइल्ड टाइप ऑफ ए एलील येलो बैंड बनाता है डार्क शाफ्ट के ऊपर, यानी कि इसके कारण कौन सा कलर हमें मिल रहा है, ए के कारण एगोटी कलर। ए के कारण हमें कोई कलर नहीं मिलता, और ए वाई की कलर, ए वाई जो एलील है जीन ए का, उसके कारण जो हमें कलर मिलता है वो मिलता है येलो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है, हमें यह चीज इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए पहले से, कि जो इस कंडीशन में माइस कोट कलर की हम बात करें तो ए वाई एक डोमिनेंट एलील है। अब हमें क्रॉस करा करके देखना है, क्रॉस किसके बीच में हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं दो येलो माइस के बारे में, और हमें प्रोबेबिलिटी फाउंड करनी है कि यदि 6 माइस बनेंगे तो उसमें से एगोटी वाले कितने होंगे। तो इसको क्रॉस कराने के लिए स्टूडेंट्स, हम एक कंडीशन एज्यूम करेंगे। हम क्रॉस कराएंगे यहां पर, आप देख सकते हैं हम यहां पर क्रॉस कराएंगे दो हेट्रोजाइगस माइसेस को लेकर के। जब हम क्रॉस कराते हैं, देखिए यहां पर दो माइस का क्रॉस करा रहे हैं जिनका येलो कलर है, तो हम हेट्रोजाइगस कंडीशन ले रहे हैं। हमने यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन एज्यूम की है, तो आप देख सकते हैं ए ए वाई, ए ए वाई, क्योंकि डोमिनेंट कौन सा है, ए वाई, तो इसके कारण येलो कलर है। अब मैंने क्रॉस कराया, सिंपल सा तरीका है, आप इसे सीधा लाइनली भी क्रॉस करा सकते हैं, नहीं तो पुनेट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं। हम इसका एक पुनेट स्क्वायर यहां पर बनाते हैं। इधर मैंने गैमेट्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर दिया, ए ए वाई, ए ए वाई। इसका जब हम इससे क्रॉस कराएंगे तो हमें मिलेगा जीनोटाइप ए ए, इसका जब हम इससे कराएंगे तो हमें मिलेगा ए ए वाई, इसका जब हम कराएंगे तो ए ए वाई, इसका जब हम इससे कराएंगे तो ए ए वाई, ए वाई ए वाई दोनों। अब हमें यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने इसको लास्ट को पढ़ा होगा कि ए वाई जो है एम्ब्रियोनिक लीथल है, कौन सी कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में लीथल है। इसका मतलब जब भी ए वाई एलील होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो उसके कारण उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ हो जाएगी। तो
इसके अकॉर्डिंग जब हम देखें तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जीनोटाइप है AYAY जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है, तो लीथल होने के कारण इसकी यहां पर डेथ हो गई। अब हमें कितने मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, इनको मैं यहां पे लिख लेता हूं, AA AY, ये मिल रहा है हमें 1 और ये मिल रहे हैं हमें 2 आउट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने देखा था एक किसके लिए स्टैंड करता है, यहां पर इसका फिनोटाइप यदि मैं लिखूं तो ये स्टैंड करेगा एगोटी के लिए और ये स्टैंड करेगा येलो के लिए। अब सिंपल सा यहां पर हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी के अनुसार कि हमारे पास जब 3 पप्स हैं यानी कि 3 माइस आए हैं तो 3 में से हमें कितना मिलता है, आप देख सकते हैं आउट ऑफ 3 हमें 1 एगोटी मिल रहा है। तो कितनों का पूछा है इसने, 6 की प्रोजेनी में हमें कितना मिलेगा, हमें 3 में से 1 एगोटी मिलता है तो 6 की प्रोजेनी में से सिंपल सी बात है कि हमें 6 की प्रोजेनी में से कितना मिलेगा, 2 हमें क्या मिलेंगे एगोटी, और यही हमारा स्टूडेंट्स आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो आप देख सकते हैं ऐसा कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, बाकी यहां पर कहीं पे भी नहीं है, तो 6 की प्रोजेनी में हमें मिलेंगे 2। तो इस क्वेश्चन का 61 का सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हमें कितने 6 में से मिलेंगे, 2 एगोटी मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने यहां पर है क्वेश्चन नंबर 62 जिसे हम पढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सार छुपा रहता है उसकी रीडिंग में छुपा रहता है। आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आपको अपने आप आंसर तक ले जाएगा। देखिए, ए स्टेन वाज डेवलप्ड बाय ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट टू स्टेन ए पर्टिकुलर सेल ऑर्गनली। द स्टेन वाज टेस्टेड ऑन वेरियस टिश्यूज डिराइव्ड फ्रॉम एन ऑटोप्सी सैंपल फ्रॉम ए मैमल। किसी मैमल के ऑटोप्सी सैंपल से हमने यहां पर टिश्यूज कलेक्ट किए हैं, उनके अंदर हम कोई सेल ऑर्गेनली को किसी स्टेन से कलर करते हैं जिसके अकॉर्डिंग आगे देखिए, द ऑर्गेनलीज वर काउंटेड, हमने उसको स्टेन किया और उन ऑर्गेनलीज को हमने काउंट किया। द रिजल्ट शोड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ए ऑर्गेनलीज इन सेल्स ऑफ ब्रेन। द ऑर्गेनलीज वर काउंटेड, द रिजल्ट शोड मैक्सिमम नंबर ऑफ द ऑर्गेनलीज इन द सेल्स ऑफ ब्रेन। हमने जब काउंटिंग की तो हमें पता चलता है कि वो सेल ऑर्गेनली मैक्सिमम किस में है, ब्रेन्स में है, उसके बाद फिर कम किस में है, हार्ट में है, और लीस्ट किस में है, मैच्योर स्पर्म में है, और इरिथ्रोसाइट्स में क्या है, एब्सेंट है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी की यहां पर बात हो रही है। तो आरबीसी में जैसा कि सेलुलर ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की हमें मैक्सिमम जगह चाहिए, तो इरिथ्रोसाइट में तो ये सारे ही ऑप्शंस हमारे अनअवेलेबल होंगे। अब हम नेक्स्ट के आधार पर हम देखें कि वो सेल ऑर्गेनली आइडेंटिफाई द ऑर्गेनलीज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। हमें इन ऑप्शंस में से किसको चूज करना है, उस सेल ऑर्गेनली को चूज करना है जो हमें मैक्सिममली मिला था। तो देखिए, मैक्सिमम हमें मिल रहा है वो ब्रेन में, उसके बाद हमें मिल रहा है वो हार्ट में, उसके बाद फिर हमें मिल रहा है वो मैच्योर स्पर्म में, और फिर आरबीसी में यानी कि इरिथ्रोसाइट में वो एब्सेंट है। अब अगर आप इन सभी को देखेंगे, ब्रेन, हार्ट, मैच्योर स्पर्म, तो आप अगर इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंसिडर करते हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंसिडर करने से पहले हमें ये पता लगाना है कि हाईएस्ट हमारी ब्रेन सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं, उसके बाद हमारी हार्ट सेल्स की जो मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली वर्क करती रहती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के हमारी टिल डेथ तक, और फिर मैच्योर स्पर्म की अगर हम लोग बात करें तो मैच्योर स्पर्म्स में जो मोबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इनका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इन ऑप्शंस को हम कंसिडर करते हैं। नंबर 1 इज निसल बॉडीज। ऑब्वियसली निसल बॉडीज हमें किस में देखने को मिलेगी, ब्रेन में देखने को मिलेगी, पर जब हम बाकी के
और ऑर्गन्स को देखते हैं तो इनमें निसल बॉडीज का इतना सिग्निफिकेंस है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कंसिडर कर सकते हैं, गोल्जी बॉडीज को अगर हम लोग कंसिडर करें, अगर हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जो मैंने आपको बात बताई थी उसके अकॉर्डिंग हम माइटोकॉन्ड्रिया को कंसिडर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी प्रोडक्शन। जितनी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो सेल, और हमें सबसे ज्यादा एनर्जी किस में प्रोड्यूस प्रोडक्शन की जरूरत है, ब्रेन में। तो सबसे ज्यादा हमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स किस में हाई मिल सकते हैं, ब्रेन में मिल सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा कौन सा मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव ऑर्गन है, हमारी हार्ट, हमारा हार्ट हो गया, उसकी मसल्स की सेल्स हो गई, तो हार्ट में हमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर सेकेंड मिल सकते हैं ब्रेन के कंपेरेटिवली। और सबसे लीस्ट हमें किस में मिलेंगे, मैच्योर स्पर्म्स में मिलेंगे। तो इनको जब हम कंपेरेटिव स्टडी करें तो गोल्जी बॉडीज का जो नंबर है ये वेरी करेगा वापस से, इसको किसी लॉजिक तक हम नहीं पहुंच सकते। तो माइटोकॉन्ड्रिया के का रिलेशन हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा जो ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव है, और हमें पता है कि ब्रेन, फिर हार्ट, फिर मैच्योर स्पर्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका एक करेक्ट आंसर इनके कंपेरेटिव स्टडी से पता लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे ज्यादा नंबर हमें किस में देखने को मिल सकते हैं, ब्रेन सेल्स में। नंबर टू में किसको देखने को मिल सकते हैं हमें, हार्ट सेल्स में। और नंबर थर्ड पे हमारे मैच्योर स्पर्म्स और इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी में। स्टूडेंट्स आपको जैसा पता है कि ये एब्सेंट, सारी ही सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर टू, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारे सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 एक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज स्टडिंग ए डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशंस। स्टूडेंट्स ने कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशंस में किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट स्टडी किया है, उनको फिर ये सारी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद हमें पता लगाना है कि वो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी उन्होंने करी वो ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग कर सकता है। तो हमें इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगाना है। उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पता लगाते हैं कि आप देख सकते हैं हम ऑब्जर्वेशंस को पढ़ते हैं नंबर वाई नंबर वन। द लार्वा हैड ए रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दैट सेपरेटेड द नर्वस सिस्टम एंड द गट। तो इस ऑप्शन को पढ़ते ही जो इस स्टेटमेंट को जो पढ़ते ही हमारे दिमाग में पहली बात आती है कि यहाँ पर बात हो रही है नोटोकॉर्ड की। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि नोटोकॉर्ड केवल प्रेजेंट होगी कॉर्डेट्स में, और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। तो यहां पर तो नोटोकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन आर्थ्रोपोडा बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर्थ्रोपोडा क्या है, नॉन कॉर्डेट है, और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। तो हमारे सामने अब बचते हैं केवल तीन ऑप्शंस, एम्फीबिया, पिसेस एंड प्रोटोकॉर्डेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, द प्रोमिनेंट सेंट्रल कैविटी वाज प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द लार्वे व्हाइल द एडल्ट्स हैड सेरेब्रल गैंग्लिया एज द मेन कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। थर्ड ऑप्शन, द आईज वर प्रोमिनेंटली सीन इन लावा, द टेल्स वर एब्सेंट इन द एडल्ट्स व्हिच द लावा हैड। फिफ्थ स्टेटमेंट अगर हम पढ़े, ए लॉट ऑफ फैगोसाइटिक एक्टिविटी वाज ऑब्जर्व्ड बिफोर कन्वर्जन ऑफ लार्वे इनटू एडल्ट्स। एंड द नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेटमेंट जो है, द एडल्ट हैड ए क्यूटिकुलर एक्सोस्केलेटन। यहां पर बात हो रही है, आप देख सकते हैं कि यहां पर इन ऑप्शंस में हम लोग बात कर रहे हैं एक विशेष प्रोसेस की जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। अब हमें इसके अकॉर्डिंग अगर हम तीन ऑप्शंस में सोचें तो पिसेस कंडीशंस में लार्वे कंडीशंस इतनी डेवलप नहीं होती, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी यहां पे इनकरेक्ट हो जाता है। अब हमारे सामने बचते हैं नंबर वन एंड नंबर थर्ड। लार्वे कंडीशन एम्फीबिया में भी होती है, प्रोटोकॉर्डेट्स में भी होती है। अब हमें सोचना है, और इसको सोचने में सही आंसर तक 50-50 में से जो जाने में मदद कर रहा है हमारा सिक्स्थ स्टेटमेंट। स्टूडेंट इसे ध्यान से पढ़िए, द एडल्ट्स हैड ए क्यूटिकुलर एक्सोस्केलेटन। और आपको पता होना चाहिए कि एम्फीबिया में क्यूटिकुलर एक्सोस्केलेटन स्टूडेंट्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहां से हमें क्वेश्चन ने सही आंसर तक पहुंचा दिया कि
ये सारी कंडीशंस किसको प्रूफ कर रही हैं? प्रोटोकॉल डेटा को, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल किससे बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स? प्रोटोकॉल डेटा से बिलोंग करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर जो हमें देखने को मिलता है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोटोकॉल डेटा। तो इसका सही आंसर है 63 का थर्ड। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन नंबर 64 हमारे सामने है, हम इसे पढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप सर्टेन पैथोजन कॉज्ड डिजीज इन प्राइमेट्स विथ नेजल कंजेशन, सिम्टम्स यहां पे स्टार्ट हो चुके हैं, नेजल कंजेशन, सोर थ्रॉट एंड फीवर बीइंग द कॉमन सिम्टम्स, ये सिम्टम्स कॉमनली उन्हें देखने को मिले। द साइंटिस्ट इंजेक्टेड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ब्लू ग्रीन मोल्ड, ब्लू ग्रीन मोल्ड की यहां पे बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ब्लू ग्रीन मोल्ड का मतलब पेनिसिलियम की यहां पर बात हो रही है। पेनिसिलियम की यहां पे बात हो रही है एज द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन। हाउएवर द सिम्टम्स डिड नॉट सबसाइड, द पॉसिबल कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द डिजीज वर लिस्टेड एज फॉलोज। यहां पर क्या किया गया कि किसी डिजीज कंडीशन की स्टडी की गई जिसमें कॉमन सिम्टम्स हमने देखे, और उन सिम्टम्स को कम करने के लिए ब्लू ग्रीन मोल्ड का एक्सट्रैक्ट उसे एडमिनिस्टर किया गया, और ब्लू ग्रीन मोल्ड के एक्सट्रैक्ट के देने के बाद भी वो सिम्टम्स कम नहीं हुए। हमें पहचानना है कि कॉजेटिव एजेंट क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि ब्लू ग्रीन मोल्ड मीन्स पेनिसिलियम, उसका एक्सट्रैक्ट देंगे तो कौन आएगा? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम से यहां पे हमारे सामने आ जाती है पेनिसिलिन की यहां पर बात हो रही है। अब आप देखेंगे, हमें सिम्टम्स को भी ध्यान में रखना है और इसकी भी ध्यान में रखना है। अगर इसके बारे में आपको पता होगा कि ये एक एंटीबायोटिक है जो क्या करती है, सेल वॉल सिंथेसिस को परमिट करती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वायरस। बिल्कुल वायरस हो सकता है, क्योंकि वायरस पे एंटीबायोटिक का असर होगा नहीं, और ये सिम्टम्स भी किसके हो सकते हैं? एक वायरल डिजीज के सिम्टम्स हैं। तो हमें फर्स्ट तो यहां पर इजीली पता चल जाता है कि वायरस एक कॉमन पैथोजन इनका, इन सिम्टम्स वाली डिजीज का हो सकता है। आगे चलते हैं, फंगस। फंगस की अगर हम लोग बात करें तो फंगस के केस में इस तरीके के सिम्टम्स हमें नहीं देखने को मिलते, तो फंगस हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। थर्ड की बात करें, एक कॉन्जुगेशन डेफिशिएंट बैक्टीरियम, यानी यहां पर बात हो रही है कॉन्जुगेशन डेफिशिएंट बैक्टीरियम, यानी कि हम लोग अगर ग्राम स्टेन की बात करें तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि ग्राम स्टेन की बेसिस पे बैक्टीरिया को दो में ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव जो स्टेन नहीं लेते, ग्राम पॉजिटिव जो स्टेन हो जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन डेफिशिएंट बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कॉन्जुगेशन के प्रोसेस यानी कि प्लाज्मिड का जो ट्रांसफर है वो नहीं हो पाता, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करेंगे हमारे ग्राम नेगेटिव से। और फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हैं, टेपवॉर्म। टेपवॉर्म में भी इस तरीके के सिम्टम्स नहीं होते। टेपवॉर्म जनरली इरिटेंट्स होते हैं, एलर्जिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम यहां पर है, और स्टूडेंट्स, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम पे पेनिसिलिन का असर नहीं देखने को मिलता, यानी कि हमने जब उसे ब्लू ग्रीन मोल्ड का एक्सट्रैक्ट दिया तो सिम्टम्स इसलिए कम नहीं हो पाए क्योंकि वो पैथोजन क्या हो सकता था? वायरस हो सकता था, या कौन हो सकता था जिसके ऊपर ग्राम, जिसके ऊपर पेनिसिलिन का असर ना हो। तो इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड इसके कॉमन आंसर हो सकते हैं। अब जिनमें ये आता है उन्हें हम यहां से चूज कर लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में हमारे पास है वायरस एंड कॉन्जुगेशन डेफिशिएंट बैक्टीरियम। तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 को हम जब देखते हैं तो इस क्वेश्चन में बात कर रहा है वो रीजनरेशन कैपेसिटी की। रीजनरेशन कैपेसिटी क्या होती है? जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट दोबारा किसी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, उसी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम रीजनरेशन कैपेसिटी कहते हैं। आपको पता होगा कि रीजनरेशन कैपेसिटी टोटियोपोटेंट सेल्स पे निर्भर करती है। टोटियोपोटेंट सेल्स क्या होते हैं? टोटियोपोटेंट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं,
वापस से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए हम इसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज वर वर्किंग ऑन रीजनरेशन यूजिंग प्लेनेरिया प्लेटीहेलमेंथीज एंड एस्टेरियस इकाइनोडर्मेटा, जो कि इसका स्टारफिश जिसको हम कॉमनली कहते हैं। प्लेनेरिया वॉज कट इन थ्री पीसेस। हमारे सामने यहाँ पर हम लोग एक प्लेनेरिया को इस तरीके से ले लेते हैं। प्लेनेरिया को हमने कितने पीसेज में काटा है? थ्री पीसेज में काटा है, हेड विथ टेल एंड द मिडल पीस। थ्री पीसेज में काटा है। एस्ट्रिस पे स्टारफिश पे जाने से पहले हम प्लेनेरिया के बारे में देख लेते हैं। प्लेनेरिया को हमने क्या किया? थ्री पीसेज में काटा। स्टूडेंट्स प्लेनेरिया के पूरी बॉडी में टोटियोपोटेंट सेल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो प्लेनेरिया को कट करने के कारण इसके तीनों की तीनों पार्ट्स वापस से रीजनरेट हो सकते हैं एक नए प्लेनेरिया में। तो इसका फर्स्ट पार्ट भी क्या बना लेगा? एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। सेकेंड पार्ट भी क्या बना लेगा? एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। और थर्ड पार्ट भी क्या करेगा? एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। तो हमें प्लेनेरिया को कट करने से थ्री पीसेज में कितने प्लेनेरिया दोबारा से मिल जाएंगे? थ्री प्लेनेरिया हमें मिल जाएंगे। उसके बाद स्टार फिश के बारे में, एस्टेरियस के बारे में बात हो रही है, जिसके अंदर कितनी आर्म्स हैं? फाइव आर्म्स एस्टेरियस में होती हैं, यानी कि स्टार फिश में होती हैं। बियरिंग फार्म फाइव आर्म्स। वाज कट इन सच ए वे दैट आफ्टर सेपरेशन सिक्स पीसेज वर ऑब्टेंड। हमने एक फाइव आर्म वाली स्टार फिश को इस तरीके से कट किया कि हमें उसके कितने पीसेज मिलते हैं? सिक्स पीसेज मिलते हैं। नेमली एन आर्म विद अ पोर्शन ऑफ सेंट्रल डिस्क, फोर पीसेस कट फ्रॉम द टिप्स ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्म्स एंड द रिमेनिंग बॉडी। द एनिमल्स वर अलाउड टू रीजनरेट कंप्लीटली। हाउ मेनी प्लेनेरिया एंड एस्टेरियस रेस्पेक्टिवली विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रीजनरेशन इन बोथ। इसका आंसर हम लोग पता लगा चुके हैं स्टूडेंट्स। इसका आंसर कितना हो रहा है? थ्री हो रहा है। अब हमें पता लगाना है यहाँ पे स्टार फिश के बारे में। देखिए जनरली स्टार फिश यानी कि एस्टेरियस की यहाँ पे बात हो रही है, इसके फाइव आर्म्स हैं। एक जनरल फ्लोर, एक जनरल डायग्राम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एस्टेरियस का। फाइव आर्म्स इसकी है। हमने इसको इस तरीके से कट किया है कि पहले तो एक पोर्शन हमें इस तरीके से मिलता है जिसमें एक तो आर्म आ गई और एक इसकी सेंट्रल डिस्क का पोर्शन आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक आर्म आ चुकी है और एक इसकी सेंट्रल डिस्क का पोर्शन आ चुका है। बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं, बचे हुए पार्ट्स को हमने कहां से काटा है? केवल टिप से काटा है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप ध्यान में रख सकते हैं कि स्टारफिश के केस में जो टोटियोपोटेंट सेल्स होते हैं वो सेंट्रल डिस्क के अराउंड होते हैं। तो जिस पोर्शन में सेंट्रल डिस्क का पोर्शन जाएगा वहां से ही वो पूरे एनिमल के तौर पर रीजनरेट हो पाएगा। अगर हम उनकी आर्म्स को कट कर देते हैं तो पूरा वहां पर एनिमल हमें रीजनरेट होते हुए नहीं मिलेगा। तो क्या ये रीजनरेट हो पाएगा पूरा की पूरा? यस स्टूडेंट्स हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? सेंट्रल डिस्क का पोर्शन आ गया। तो ये रीजनरेट कंप्लीटली हो जाएगा। और ये जो पोर्शन हमारे पास बचता था इसकी हमने टिप काट दी थी, तो स्टूडेंट्स ये वापस से एक नए स्टारफिश में रीजनरेट हो जाएगा। पर इसका हर पोर्शन यहां से नई स्टारफिश नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि सेंट्रल डिस्क किसके अराउंड है? इन फोर आर्म से जुड़ी हुई है। तो ये वापस से एक अपनी नई आर्म और बना लेगा। तो ये भी पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे पास वापस से एक नए स्टारफिश में। और एक इसने पूरी तरीके से कंप्लीशन किया था तो एक ये हो गया। तो 1+1 कितने हो गए? दोनों को हम जोड़ते हैं तो आंसर आता है 2। तो प्लेनेरिया को काटने से हमें कितने मिल रहे थे? 3 कंप्लीट प्लेनेरिया मिल रहे थे। और स्ट्रेस को यानी कि स्टारफिश को हमें कट करने से कितने मिल रहे हैं? 2 स्टारफिश नई हमें मिल रही है, क्योंकि हमने कटिंग इस तरीके से उसकी की है। सेंट्रल डिस्क के अराउंड तो वो वापस ग्रो हो जाएगा, और जो सेंट्रल डिस्क के अराउंड नहीं है टिप वाला पोर्शन, वो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका मोर करेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा? प्लेनेरिया तो 3 और स्टारफिश 2। एस्टेरियस का कॉमन नेम स्टारफिश होता है, आपको पता है। तो सही आंसर इसका
देखें हम लोग 70 का ऑप्शन नंबर 2 हमें पूरी तरीके से बताता है 3 एंड 2 जहां पर बनेंगे। तो 70 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 71। फेकेंडिटी इन एन इन एनिमल वर्ल्ड इज द मैक्सिमम पॉसिबल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ टाइम। फॉलोइंग फैक्टर्स वर चेक्ड फॉर देयर अफेक्ट ऑन फेकेंडिटी ऑफ डिफरेंट एनिमल मॉडल्स। यहां पे बात हो रही है फेकेंडिटी की, फेकेंडिटी एक टर्म होती है जो क्या है एनिमल वर्ल्ड के लिए कि किसी भी इंडिविजुअल की मैक्सिमम पॉसिबल एबिलिटी रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां पर फेकेंडिटी के बारे में वो पूछ रहा है कि यहां पर थ्री स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें, थ्री ऑप्शंस दे रखे हैं, थ्री पॉइंट्स दे रखे हैं कि फेकेंडिटी को कौन से स्टेटमेंट्स अफेक्ट करेंगे और कौन से स्टेटमेंट्स अफेक्ट नहीं करेंगे। तो फेकेंडिटी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है तो इसको अफेक्ट कौन कौन से कर सकते हैं। हम फर्स्ट पढ़ते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन यानी कि रिप्रोडक्टिव सीजन, इस सीजन में फूड की अवेलेबिलिटी 100% उसके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को अफेक्ट करेगी। ब्रीडिंग सीजन में अगर उसे अच्छे से फूड मिल रहा है तो उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो फर्स्ट फैक्टर फेकेंडिटी को अफेक्ट करता है। सेकेंड को देखते हैं हम लोग मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन। मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन की यहां पर बात करें तो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन अफेक्ट करेगा सर्वाइवेबिलिटी को कि फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो भी नया ऑफस्प्रिंग है उसके चांसेस सर्वाइवल के थोड़े कम हो जाएंगे और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन 100% फेकेंडिटी को अफेक्ट करेगा क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा तो उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ेगा। तो फेकेंडिटी को सेकेंड ऑप्शन भी अफेक्ट करता है और ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी इसको अफेक्ट करेगी। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हमारे सामने हैं वो तीनों के तीनों फैक्टर्स किसी भी इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को यानी कि उसके मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को यानी कि फेकेंडिटी को अफेक्ट करते हैं। तो उसका सही करेक्ट आंसर जो 71 का होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, और ऑल ऑफ दीज मींस फर्स्ट टू एंड थर्ड, ऐसा हमें थर्ड ऑप्शन में देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। तो सही आंसर 71 का होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जिसमें तीनों स्टेटमेंट्स कवर हो रहे हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 76 में इन केस ऑफ पेपर्ड मोथ पेल एंड डार्क मोथ, पेल यानी कि लाइट, डार्क मोथ्स आर ऑब्जर्व्ड। पेल वैरायटी इज नोन टू बी द वाइल्ड टाइप ऑफ वैरायटी ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। पेल यानी कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, वाइल्ड टाइप की वैरायटी थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण एक विशेष फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। मेलानिज्म मीन्स इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं आसपास के एरिया को ब्लैकिश कर देता है क्योंकि उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं तो ताकि आसपास का एरिया ब्लैकिश हो जाता है। इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहा गया है। लीड टू द प्रेवलेंस ऑफ डार्क वैरायटी अराउंड द सिटीज एंड पेल वैरायटी कंटिन्यू टू बी इन मेजोरिटी इन एरियाज अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। इसके कारण क्या हुआ कि जो डार्क मोथ थी वो सिटीज के अंदर की तरफ इंडस्ट्रीज के आसपास में ज्यादा उसकी हम पॉपुलेशन हमें देखने को मिली, बढ़ गई। क्यों हुआ ऐसा एक्चुअली में, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म होने के कारण जो ट्रीज थे, ट्रीज के बार्क जो होता है वो डार्क हो गया और डार्क पे डार्क मोथ ने अच्छी तरीके से उसको कैमोफ्लेज कर लिया। और जो पेल वैरायटी थी, जो लाइट वैरायटी थी, वो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जहाँ पे हो रहा था उनसे दूर यानी कि सिटीज और इंडस्ट्रीज से दूर उनकी पॉपुलेशन हमें ज़्यादा देखने को मिली क्योंकि वो अच्छी तरीके से डार्क बैकग्राउंड पे लाइट कलर अच्छी तरीके से शो हो जाता है तो उनके प्रेडेटर्स उन्हें अच्छे से पहचान लेते थे। इसलिए पेल वैरायटी तो इंडस्ट्रीज के आसपास डेवलप नहीं हो पाई और डार्क वैरायटी ज़्यादा डेवलप हो गई। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि After endorsement of regulations for controlling pollution, reappearance of pale moths in majority was observed around the cities again. जब वापस से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया गया, जो
चिमनी से निकलने वाले ब्लैक कलर के धुएं को जब दोबारा से हमने कंट्रोल किया तो जो पेल वैरायटी थी वो दोबारा से स्टूडेंट्स वापस कहाँ पे ज़्यादा आ गई, सिटीज़ के आसपास, सिटीज़ के अंदर यानी इंडस्ट्रीज़ के आसपास जो थी वो वापस से रीअपियर हो गई। तो ड्राइविंग फोर्सेज फॉर दीज एडेप्टिव चेंजेस, इन चेंजेस के लिए जो फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल थे कि कभी तो वो कम हो गई और कभी वो क्या हो गई बढ़ गई, वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये इस तरीके का जो इंडस्ट्रियल मेलनिज्म है ये एक डायरेक्शनल सिलेक्शन है, ताकि इसमें क्या होता है किसी कंडीशन में दोनों एक्सट्रीमिटीज़ में से एक वैरायटी सेलेक्ट होती है। जब पॉल्यूशन कम था तो पेल सेलेक्ट हुई इंडस्ट्रीज़ के अराउंड, जब पॉल्यूशन बढ़ गया तो डार्क सेलेक्ट हुई। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक विशेष रोल लाइकेंस का भी रहता है, क्योंकि ये लाइकेंस के ऊपर ग्रो करती है। तो और लाइकेंस जनरली उस एरिया में ग्रो नहीं कर पाते जहाँ पे क्या होता है पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग लाइकेंस को पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी कहते हैं। इन सारी बातों के बाद अब हम इनके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं कि कौन से ड्राइविंग फोर्सेज है जो इनको अफेक्ट करेंगे। नंबर वन इज इंक्रीज्ड पॉल्यूशन अराउंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के चारों तरफ पॉल्यूशन बढ़ा तो इसके कारण आप देख सकते हैं शुरुआती पार्ट में इसने बताया है पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाने से पेल वैरायटी तो चली गई और डार्क वैरायटी बढ़ गई, तो इसने इसको अफेक्ट किया, बिल्कुल करता है ये अफेक्ट। सेकंड, ए स्टेबल ट्रांसपोजिशन ऑफ ए जीन इन मूत। यहाँ पर किसी भी जीन का जीन लेवल पर जाकर के स्टेबिलिटी हम नहीं देख सकते क्योंकि ये चेंज हो रहा है बार बार, तो सेकंड ऑप्शन इसको अफेक्ट नहीं करेगा। स्टेबिलिटी नहीं आई है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, ये चेंज होगी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। थर्ड है लिमिटेशंस ऑफ द विजन ऑफ बर्ड्स टू डिफरेंशिएट द डार्क मोथ्स ऑन द डार्कन्ड बार्क्स एंड पेल मोथ्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइकेंस। बेसिकली क्या है कि जो बर्ड्स हैं वो इनकी नेचुरल प्रेडिटर है, तो नेचुरल प्रेडिटर जब डार्क मोथ ऐसे ट्री पर ग्रो हुई जहाँ का बैकग्राउंड भी डार्क हो चुका है पॉल्यूशन के कारण, तो उसे वो अच्छे से ढूंढ नहीं पाई, तो उनकी नेचुरल प्रेडिशन कम हो गया जिसकी वजह से डार्क ज़्यादा हो गई। और लाइकेंस की प्रेजेंस में आप देख सकते हैं लाइकेंस का लाइट कलर है, तो लाइट पे लाइट नहीं ढूंढ पाती थी बर्ड्स, तो जब पॉल्यूशन नहीं था तो वो लाइट को नहीं ढूंढ पाती थी, इसलिए कौन ज़्यादा थी पहले के टाइम पर पॉल्यूशन से पहले, हमारी लाइट कलर की यानी पेल कलर की वैरायटी। तो ये बिल्कुल अफेक्ट करता है उनके नेचुरल प्रेडिटर्स का विजन जो उन्हें कैमोफ्लेज कंडीशन में डिटेक्ट नहीं कर पाती, तो थर्ड ऑप्शन भी इसको क्या कर रहा है अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन अवेलेबिलिटी ऑफ लाइकेंस टू ग्रो ऑन बार्क्स इन लेस पॉल्यूटेड एरियाज। बिल्कुल सही है, लाइकेंस जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि लाइकेंस हमेशा लेस पॉल्यूटेड एरियाज में ही क्या कर पाएंगे ग्रो कर पाते हैं, लाइकेंस पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं कर पाते और लाइकेंस के बैकग्राउंड पे पेल वैरायटी अपने आप को हाइड कर लेती है, तो ये भी अफेक्ट करता है किसको, पेल जो मोथ्स हैं उनके लिए अफेक्ट करेगा कैरेक्टर। तो नंबर फोर्थ कैरेक्टर भी यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स। तो सेकंड कैरेक्टर को यानी स्टेबिलिटी को अगर बात छोड़ दें हम, तो ये तीनों कैरेक्टर्स किसको अफेक्ट करते हैं, इन एडेप्टिव चेंजेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो 76 में फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो जो भी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू, जिसमें ये तीनों स्टेटमेंट्स आ रही हो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सही आंसर है सेकंड। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 77। फोर डिफरेंट ह्यूमन बॉडी फ्लूड सैंपल्स वर सब्जेक्टेड टू क्वांटिटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हमने चार सैंपल्स लिए और उनकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर किया, उनकी क्वांटिटी को मेजर किया। इन मिलीक्विलेंट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये इसकी यूनिट थी मेजरमेंट की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। उसके रिजल्ट से हमें ये डाटा मिला 1.6 × 10^2 सैंपल ए, 4.5 × 10^5 सैंपल बी, 1 × 10^-3 सैंपल सी एंड 3 × 10^-2 सैंपल डी। ये हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। ये हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है सैंपल्स को पहचानना है। यहाँ पर अलग अलग आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसको इसके लिए स्टूडेंट्स हमें एक नॉलेज, बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है वो अफेक्ट करती है पीएच को। यदि एच प्लस ज़्यादा है, यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो पीएच होता है
वो बेसिकली कम होता है, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस। तो जितना ज्यादा एच प्लस होगा उतना ही कम पीएच होगा, और जितना कम पीएच होगा वो चीज उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिक होगी। तो हमें यहाँ पर कुछ सैंपल्स हैं, तो हमें हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग पता है कि कौन से सैंपल का पीएच ज़्यादा होता है और किस सैंपल का पीएच कम होता है। तो यदि हम इन सैंपल्स को हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स, हमें ए में देखने को मिलेगी। सेकंड नंबर पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ए के बाद देखने को मिल रही है वो मिल रही है डी में, फिर उसके बाद जो हमें देखने को मिल रही है सैंपल सी में, और सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें देखने को मिल रही है सैंपल बी में। तो ये हमने अरेंज कर लिया एच प्लस आयन कंसंट्रेशन के कारण। अब हमें पता है कि जिसमें ज्यादा एच प्लस है उसका पीएच उतना ही कम है, यानी कि ए क्या हो गया है यहां पे, मोर एसिडिक, क्योंकि ए का पीएच स्टूडेंट्स कैसा होगा, लो, और बी क्या हो गया, कंपैरेटिवली इनका पीएच क्या होगा, हाई होगा। अब हम इसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है ए से लेकर के डी तक, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा। पहले हम जनरल सैंपल्स को देखें, इनको देखें तो गैस्ट्रिक एससीएल हमारे पास एक सैंपल है, ऑब्वियसली बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कैसा होता है, काफी कम होता है, तो इसका पीएच काफी ज्यादा लो होगा। वीनस ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो वीनस ब्लड को जब हम लोग देखते हैं तो वीनस ब्लड का भी हमें क्या मिलता है पीएच स्टूडेंट्स, हमें वीनस ब्लड का पीएच भी काफी कम देखने को मिलता है, यानी कि वीनस ब्लड का पीएच भी हमें क्या देखने को मिलता है, काफी ज्यादा देखने को मिलता है वीनस ब्लड का पीएच, बाकी के कंपैरेटिवली वीनस ब्लड का पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वीनस ब्लड के कंपैरेटिवली कम होगा पीएच, पर वैसे उसका भी क्या होगा, पीएच हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम लोग बात करें तो यूरिन का अप्रोक्स पीएच हम लोग 6 लेते हैं, फिर यूरिन का पीएच भी HCl से तो ज्यादा होगा पर वीनस ब्लड और इंट्रासेलुलर के कंपेयर में यूरिन का पीएच कम होगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि सबसे कम पीएच हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, उसके बाद नंबर 2 पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज्यादा पीएच यूरिन का है, देन फिर हम देख सकते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूड का है, और सबसे कम पीएच वीनस ब्लड का है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ए वाले का पीएच सबसे ज्यादा था, तो सबसे सॉरी ए वाले का पीएच सबसे कम था क्योंकि उसकी एच प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा थी। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे कम पीएच वाला हो गया गैस्ट्रिक एससीएल, उसके बाद नंबर डी हम लोग देखें तो बात आ रही है डी की, यानी कि यूरिन जो है यहां पर फिट बैठता है क्योंकि यूरिन का पीएच गैस्ट्रिक एससीएल से ज्यादा है बट बाकी सबसे कम है, तो यहां पर डी यूरिन हो सकता है। बिल्कुल डी यूरिन किस ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में सेट हो रहा है डी यूरिन। उसके बाद आप देख सकते हैं सी की बात कर रहा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात कर रहा है जिसका पीएच हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यूरिन से तो ज्यादा है पर वीनस ब्लड से कम है, इसलिए वो सी में सेट होता है। यहां पर देख सकते हैं आप सी इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और सबसे ज्यादा पीएच जो है जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम है वो ऑप्शन आ जाता है बी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है सैंपल ए क्योंकि उसका पीएच सबसे कम है और एच प्लस आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम लोग देखें बी वीनस ब्लड जिसका पीएच सबसे ज्यादा है और एच प्लस आयन कंसंट्रेशन सबसे कम है, उसके बाद इंट्रासेलुलर फ्लूड और उसके बाद यूरिन। ऐसा हमें केवल जो सेट हो रहे हैं ऑप्शन वो फर्स्ट ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग सैंपल ए से लेकर डी तक जो होंगे, सैंपल ए हो गया हमारे पास HCl, सैंपल बी हो गया हमारे पास वीनस ब्लड, सैंपल सी हो गया हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सैंपल डी हो गया हमारे पास यूरिन। तो स्टूडेंट 77 का जो सही आंसर बैठ रहा है वो बैठ रहा है फर्स्ट में,
तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 79। एनी डैमेज और इंजरी टू ए पर्टिकुलर एरिया कॉजेज नॉसी रिसेप्टर टू रिलीज सम केमिकल्स। नॉसी रिसेप्टर्स की यहाँ पे बात की गई है। नॉसी रिसेप्टर्स बेसिकली किसके लिए होते हैं? नॉसी रिसेप्टर्स आर फॉर पेन, और अगर कहीं पे कुछ भी इंजरी की कंडीशन पैदा होगी तो नॉसी रिसेप्टर्स किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन का, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हायर सेंटर्स जो हमारे ब्रेन के हैं उन्हें ये सेंसरी इंफॉर्मेशन देता है कि उस एरिया पे पर्टिकुलरली पेन हो रहा है या कुछ वहां पर कंडीशंस हैं डैमेज की। तो नॉसी रिसेप्टर्स टू रिलीज सम केमिकल्स विच कैरी द सिग्नल्स टू द हायर सेंटर्स इन द नर्वस सिस्टम फॉर द प्रोसेसिंग एंड द सब्सिक्वेंट एक्शन। However, there is a difference in the way in which the stimulus is received. Different होता है वे stimulus रिसीव होने के कारण अलग अलग जगहों से। जहां पे नॉसी रिसेप्टर ज्यादा होंगे वहां पे ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, जहां पे कम होंगे वहां पे कम होगा। फिंगर टिप्स आर मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू फोरआर्म। फॉलोइंग रीजंस आर ऑब्जर्व्ड फिनोमिना वर सजेस्टेड। यहां पे बताया गया है नॉसी रिसेप्टर्स के बारे में। हमें पता है कि नॉसी रिसेप्टर्स किसी भी कंडीशन में अगर इन्हें कोई डैमेज पहुंचता है या कोई इंजरी होती है तो ये स्टूडेंट्स किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोस्टा ग्लैंडिन का, जो कहां पे रिसेप्शन ले जाता है? ब्रेन के सेंटर्स में। और ये किसके लिए है? पेन के लिए है। तो ये कह रहा है कि जो हमारी फिंगर टिप्स हैं मोर सेंसिटिव हैं एज कंपेयर टू फोर आर्म। तो जनरली तो पहले हम इस इंफॉर्मेशन से पता लगा सकते हैं कि फिंगर टिप्स ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो यहां पर नॉसी रिसेप्टर्स ज्यादा होंगे, ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है फोर आर्म की कंपेयर में। अब इसके अकॉर्डिंग अगर कौन सा फिनोमेना सजेस्ट है? द रिसेप्टिव फील्ड्स इन द फिंगर टिप्स आर स्मॉल। बिल्कुल गलत बात हो गई। अगर रिसेप्टिव फील्ड जो फिंगर टिप्स में है वो स्मॉल होता तो इतना ज्यादा पेन कैरी नहीं हो पाता ब्रेन का। तो फर्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स यहां पर नहीं बैठ रहा है। द नंबर ऑफ नॉसी रिसेप्टर्स पर रिसेप्टिव फील्ड इन द फोर आर्म इज लेसर। फोर आर्म में आप देख सकते हैं फिंगर टिप की कंपेरेटिवली वो कम सेंसिटिव है। तो बिल्कुल सही बात है कि वहां पर नॉसी रिसेप्टर्स क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज बाय नॉसी रिसेप्टर्स पर रिसेप्टिव फील्ड इज मोर इन फिंगर टिप्स। यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं हमारे फिंगर टिप्स के पर रिसेप्टिव फील्ड में वो ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन डायरेक्टली किसको दे रहा है? ब्रेन को। तो फिंगर टिप्स ज्यादा सेंसिटिव है यानी फिंगर टिप्स में होने वाली इंजरी या पेन हमें ज्यादा महसूस होता है क्योंकि वहां से ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही बात है कि यहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट क्या हो रहा है? ज्यादा रिलीज हो रहा है पर रिसेप्टिव फील्ड इन फिंगर टिप्स एज कंपेयर टू फोर आर्म्स। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन भी सही है और थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 79 का जो मोर करेक्ट आंसर या जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आंसर इज थर्ड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।